अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ फार्मर, आज बात करेंगे हम हे और साइलेज के ऊपर और डेयरी फार्मिंग के शोबे के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी हो चुका है और वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका हम यानी हे या साइलेज बना सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हे है क्या। बेसिकली देखें, पतले तने वाली हर वो फसल जिसे हम सूरज की रोशनी में खुश्क करें और बेल बनाकर हम उसको किसी सायेदार जगह के ऊपर महफूज करके अपने ज़रूरत के मुताबिक जानवरों को इस्तेमाल कर सकें, हम उसको हे कहते हैं। इसके अलावा अगर हम साइलेज की बात करें तो सब्ज़ चारे को महफूज करने का तरीका जदीद दौर के अंदर उसको महफूज करने का जो तरीका है उसको हम साइलेज का नाम देते हैं। साइलेज में बेसिकली जब हम उसे महफूज करते हैं ना, तो किसी यानी बैंकर्स के अंदर या प्लास्टिक की रैपिंग के अंदर हम उसको कंप्रेस करते हैं और फिर उसके अंदर एक फर्मेंटेशन का सारा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो फिर वो साइलेज, वो चारा जानवरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साइलेज देखें, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम उसके अंदर जो हवा होती है, ऑक्सीजन, हम उसको ब्रेक करते हैं। जब ऑक्सीजन प्रेस करने के बाद वो यानी ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए, तो हम उसको यानी एयर टाइट कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए और अंदर की हवा बाहर ना आए। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि उस चारे के अंदर जो कुदरती जरसूमे होते हैं, वो चारे के अंदर जो मौजूद शुगर होती है उसके साथ मिलकर ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड यानी ये पैदा होते हैं और उसी चारे के अंदर चूंकि तेजाब जमा हो जाता है, तेजाब जमा होने के बाद यूं समझ लें कि उस चारे का पीएच लेवल गिर जाता है और जब चारे का एक खास सतह तक पीएच लेवल गिरता है तो उस चारे के अंदर जो माइक्रोबियल प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। जब वो रुक जाए तो आपका साइलेज जानवरों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। इस सारे फर्मेंटेशन के सारे प्रोसेस पे कम से कम 21 दिन लगते हैं और वो सारा खमीर का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद वो एक जूद हजम चारा बनता है जो कि जानवरों के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है। इसमें आप सवाल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका हम हे बना सकते हैं और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका हम साइलेज बना सकते हैं। अपने जहन में ये रखें कि पतले तने वाली हर वो फसल उसका हम हे बना सकते हैं। मसलन सर्दियों में बरसीम का चारा वाफर मकदार में होता है, चूँकि उसमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, आप सूरज की रोशनी में उसको खुश करने के बाद जब उसमें नमी का तनासब 12% तक रह जाए तो आप उसको उठा कर किसी जगह पे महफूज कर सकते हैं। इसी तरह आप ले लें अल्फा अल्फा ले लें जिसको हम लोसन बोलते हैं या रोड ग्रास ले लें, क्योंकि इन फसलों के तने पतले होते हैं और सूरज की रोशनी में आप खुश करके इनको महफूज कर सकते हैं। और साइलेज हर वो फसल जिसका तना मोटा हो, पत्ता चौड़ा हो, आप उसका साइलेज बना सकते हैं। पूरी दुनिया में आप अक्सर देखते हैं कि मक्की का साइलेज जो है वो बेहतरीन साइलेज समझा जाता है। इसके अलावा हमारे इलाका जात में चरी पाई जाती है जिसको हम जवार बोलते हैं, उसका आप साइलेज बना सकते हैं। बाजरे का साइलेज बना सकते हैं, आप जवी का साइलेज बना सकते हैं। तो ये वो फसलें हैं जिनको आप
यानी एक दफ़ा कटाई करके, कटाई करने के बाद प्रेस करके, महफूज करके और एक खास दिनों के बाद आप अपने जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसका इस्तेमाल डेयरी फार्मिंग के अंदर क्यों ज़रूरी हो चुका है, इसमें मैं आपको जवाब दूंगा ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखना यह है, देखिए पाकिस्तान में यानी 50% से दही आबादी ऐसी है जो कि लैंडलेस है, उनके पास ज़मीन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की 2000 की वो देखें ना कैलकुलेशन सारी, तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 63.3% आबादी पाकिस्तान की लैंडलेस है, यानी उसके पास भी कोई ज़मीन का कता मौजूद नहीं है। और बाकी रह गया 37% आबादी, 37% आबादी में 85% तक आबादी ऐसी है जो कि जिनके पास 1 से लेके 5 एकड़ तक की ज़मीन है। और मैं यूँ कहूँगा कि अगर हम उनकी कैलकुलेशन देखें ना तो पाकिस्तान का सिर्फ 2% तक तबका ऐसा है जो कि आधे पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। दूसरी साइड पर अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जानवरों की इतनी ज़्यादा तादाद पाई जाती है, यानी हालिया जो कैलकुलेशंस हुई हैं उसके मुताबिक यानी 41.2 मिलियन हमारे मुल्क के अंदर भैंसें पाई जाती हैं, जबकि 49.6 मिलियन गाय जो है वो पाई जाती हैं। जरा आप इनकी कैलकुलेशन निकालें ना तो इनकी कैलकुलेशन करोड़ों पे जाती है। और देखें कुछ चारा तो चाहिए, और हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि आप देखें कि हमारे जानवरों के लिए तूड़ी भी पूरी नहीं होती, और हास कुछ पूरे साल के अंदर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि तूड़ी का हसूल भी मुश्किल हो जाता है, यानी उनका रेट्स इतने बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ से हम उनकी गजाइयत देखते हैं तो वो ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से देखें जब तक हम अपने जानवरों की खुराक का बंदोबस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक हम डेयरी फार्मिंग से नफ़ा नहीं निकाल सकते। और जब जानवरों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है तो आप देखें इन जितनी भी ये जानवरों की तादाद है उनमें से 38% तक जानवर ग्रेजिंग पे गुजारा करते हैं, चराई पे गुजारा करते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम डेयरी फार्मिंग के शोबे से नफ़ा कमा सकें तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ हमें यही नज़र आता है, या तो हमें हे की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ खुद अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। ये हे वाला कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये अगर मैं देखूँ ना इसकी हिस्ट्री देखूँ तो मुझे हे का इस्तेमाल जो है वो 1850 यानी को नज़र आता है, यानी आज से 2 सदियां पहले लोग साइलेज और यानी आज से 2 सदियां पहले लोग हे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज आप देखें कि ये हमारे लिए हमें एक नया कंसेप्ट नज़र आता है। बात ये है कि जब तक हम ज़्यादा पैदावार वाले जानवर नहीं रखेंगे, हम उनके पूरे साल की खुराक का बंदोबस्त नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें फर्ज किया मेरे पास जानवर है ना, तो हर चीज़ उनकी इस्तेमाल की अगर मैंने अपने डेरे से अंदर से निकाल के डालनी है तो मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी। फ़ायदे क्या हैं, देखिए पाकिस्तान में यानी हर महीने का एक अपना मौसम होता है, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जैसे सावन भादों बारिशें होती हैं, तो बाहर से चारा लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपने डेरे से ही निकाल के डालेंगे तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी। दूसरा यह है कि चूंकि हमारे पास उस तरह पैदावार के जानवर नहीं होते और बार बार हम उनका सब्ज़ चारा भी तब्दील करते हैं, बार बार उनका वंडा भी तब्दील करते हैं, और अगर जानवर की खुराक बार बार तब्दील की जाए तो हम उस तरह उससे यानी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। साइलेज और हे को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं कि एक तो हम मौसमी तब्दीलियों से बच जाएंगे, दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है
कि पाकिस्तान के सीजन के अंदर अगर आप देखें ना, तो साल में दो वक्त ऐसे आते हैं जिसमें आप मई और जून के महीने ले लें, आप नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने ले लें, हमें जानवरों को डालने के लिए सबज चारा भी दस्तयाब नहीं होता। यानी चारे की शॉर्टेज से बचने के लिए हमें हे या और साइलेज की तरफ सफर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी जो जानवरों पे इनपुट कास्ट आती है, यानी उन पे जो खर्चा आता है, वो इतना ज़्यादा आता है कि हमें जो उनसे दूध की शक्ल में पैदावार मिलती है या गोश्त की शक्ल में पैदावार मिलती है, हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते। अगर हम हे और साइलेज पे जाएंगे तो हमारी रनिंग कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो जब आपने हर चीज अंदर से निकाल के डालनी है, आपके डेरे फार्म के ऊपर मौजूद है, तो लाजमी तौर पर आपकी लेबर कास्ट भी कम आएगी। जब आप अपने जानवरों को एक जैसा चारा देंगे तो उसको एक बैलेंस्ड डाइट मिलेगी, उसकी सेहत ठीक होगी, दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, और जब एक जैसी खुराक मिलेगी तो जानवरों का दूध भी बढ़ जाएगा। बात यह है कि हमें वक्त के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा, अपने रूटीन की प्रैक्टिस को थोड़ा सा तब्दील करना होगा, हमें नए नए तजर्बात करने होंगे ताकि ये दुनिया के बदलने के साथ साथ हम खुद को भी बदलें। तो आज की मेरी गुफ्तगू का यही टॉपिक है कि हमें वक्त के साथ साथ हे और साइलेज पर मुंतकिल होना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर दो तीन दिन के बाद मैं आपके लिए कोई प्रोग्राम करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस जोन के अंदर इसका जो मौसम है या जो इसमें हमें किस यानी साइलेज पे जाना चाहिए, हे पे जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इंशाल्लाह। यानी एक तो मैं साइलेज और हे का मुआवजना भी करूँगा। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल हम किसान सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के प्रोग्राम आगाही प्रोग्राम आप तक मैं पहुंचाने में कामयाब हो सकूं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।